नमस्ते नमस्कार ना पेर डाक्टर जी राजकोंडा रेड्डी सहाय संचालक पशुसंवर्धक शाख डिस्ट्रिक्ट वेटनरी हॉस्पिटल सीतलंपेट पे अभी मौसम रेनी सीजन मौसम में बकरियों का एक डिसीज़ आता है उसके नाम पीपीआर बोलते पारुल रोगम। सो पारुल रोगम बोले तो ये पेशाब मोशन ज़्यादा होता ये टेम्परेचर ज़्यादा रहता है 106 to 108 टेम्परेचर दिखता है इसका ये बकरियों का ये शीप के लिए। ये सिम्टम्स में क्या होता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होके ये नॉसल डिस्चार्जेस कॉफ दग्गू घास आते रहता इसमें। और एक बकल डिजीज बोले तो ये मुंह का ये रहता है गम्स का ये गम्स में पूरा ये पक जाता पूरा पक जाकर नहीं खाता ये बकरियों। इसको ये बीमार कैसा रहता बोले तो एंट्राइटिस ये इधर भी काम होता है ये एंट्राइटिस का वो इन्हें डहरिया डहरिया बोलते हैं उसका इसमें भी करके पूरा शूटिंग डहरिया बोलते हैं पूरा लूज मोशन होते हैं इसमें ये डिसीज़ में ये व्याधलो। सो ये क्या करते हैं ये प्रिवेंशन नहीं है इसका ओनली ट्रीटमेंट नहीं है प्रिवेंशन करना पड़ता। ट्रीटमेंट बोले तो इसका दवा नहीं है प्रिवेंशन बोले तो वैक्सीनेशन करना पड़ता। वैक्सीनेशन बोले तो ये 3 महीने ऊपर ही बकरियों को 3 महीने ऊपर 3 नेल दाटने वाटी की 3 महीने ऊपर बकरियों को वैक्सीन देना पड़ता। ये वैक्सीन चल रहा गवर्नमेंट का सप्लाई हो रहा हर आदमी ये वैक्सीन लेके आप बकरियों को बचा ले। ये 18-20 तारीख रहता 18 तारीख रहता ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम। ये कैसा आता बोले तो ये नया बकरी मैं बाहर से लाते रहता आदमियों ये मार्केट से उधर से वो ट्रांसमिशन होता आदमी ये दूसरा बकरी को ट्रांसमिशन होके चलते रहता। ये कहकर बोले तो ये नया वाले आगे नए वाले को कॉफ रहता ये दूसरों का अटैक होता। और ये क्या करते ये ट्रांसमिशन में ये फीड रहता ये नया फीड खरीद रहता उसमें भी वायरस रहता ये वायरस का बीमार है इसमें से भी ट्रांसमिशन होके ये 3 मंथ्स अबो वो बकरियों को अटैक होता। पूरा अटैक होने के वाले टेम्परेचर वाले 3-4 दिन रहता एंटीबायोटिक्स देना पड़ता बकरियों को लाके दवाखाना लाके एंटीबायोटिक्स ले लो। घर में क्या करना ये पीच रहता ये पीच बोले तो जावर का पीच नहीं तो रागी का पीच अंबली बोलते हैं उसका तेलुगु में वो पी लाना और बनाना भी दे सकते इसको ताकत रहता। इमेजिनेशन होकर नहीं मरते ये ट्रीटमेंट करके बचा लो वैक्सीनेशन भी करवा लो नहीं तो बकरियों मर जाते ये मेरा एडवाइस है पूर्वों को। थैंक यू।